नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कौशिक फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक मजेदार टॉपिक लेके। निफ्टी एनालिसिस डेली सीरीज जो हमारी है उसका आज 24 तारीख का, 24 मई का आज हम थोड़ा एनालिसिस करने वाले हैं जैसा हमने प्रॉमिस किया था। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आपके पास नई से नई वीडियो टाइम पे आ सके। और आप अपने ट्रेड डालने से पहले अपने एडवाइजर की सलाह लें, हम बिल्कुल भी अपनी सलाह आपके ऊपर थोपना नहीं चाहते हैं। आपकी लाइफ है, जैसे मर्जी जिए, जीना चाहे जी सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये चीज रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज अगर अच्छा लगता है तो इसको शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैंने कहा था कि डेली हमारी निफ्टी एनालिसिस सीरीज की वीडियो आएगी, कल मैं किसी निजी कारणों से नहीं बना पाया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, पर आज मैं फिर से हाजिर हूँ। चलिए हम आपको निफ्टी की अपनी वेबसाइट पे ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है और आज निफ्टी हम देख रहे थे कि डेली जो निफ्टी है रेड में क्लोज हो रही थी, ठीक है, और आज निफ्टी ने थोड़ा पुल बैक दिया है। और अगर हम इसमें आज का लास्ट देख लेते हैं तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स आपको देखने में मिल रही हैं। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। और ये बहुत क्लियर है कि बाजार में थोड़ी सी नीचे के स्तर से बाइंग आई है। नीचे के स्तर से बाइंग कहाँ से आई है वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए जैसा कि मैंने आपको, अगर आपको मेरे कर्नाटक इलेक्शन के वीडियो पे रिलेट करने की कोशिश करेंगे, मैंने कहा था एक महीने पहले की जो डेटा उसमें दिया था मैंने, एक महीने पहले निफ्टी 7.5% गिर चली थी। और उसके बाद क्योंकि बीजेपी का ना आना बाजार ने स्वागत नहीं किया, क्रूड के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी वजह है, और जगह जगह पर देश विदेश में अनरेस्ट की स्थिति बनी हुई है, इसलिए बाजार लगातार नीचे के स्तर को छूके गया है। और नीचे में ये देखिए आप 10,419 तक भी स्पॉट निफ्टी, 10,400 तक का लेवल स्पॉट निफ्टी ने छू दिया। अब दोस्तों देखिए, अब निफ्टी कहाँ से चली है जरा इसमें हम थोड़ा सा अपना एक टेक्निकल इंडिकेटर जिसे हम फिबोनाची कहते हैं उसको यूज करने की कोशिश करते हैं कि बाजार कहाँ से रिट्रेस कर रहा है। दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, जो इसमें हाई लगा था हम एक प्लॉट यहाँ कर लेते हैं, 927 के आसपास का निफ्टी ने हाई बनाया था। और सबसे लो क्या रहा है, लो दोस्तों आज ही बनाया है, देखिए ठीक है, ये लो बनाया है दोस्तों। बड़े कमाल की चीज है कि देखिए बाजार जिन लेवल से गिरा है 927 के हाई लगाने के बाद, बाजार हर लेवल को छूता हुआ नीचे 61.8 की रिट्रेसमेंट, 10,732 तक आती थी, वहां उसको तोड़ने के बाद 50% रिट्रेसमेंट पे भी बाजार नहीं रुका, 670-72 के आसपास। 38% रिट्रेसमेंट जो 612 के आसपास थी उसको भी तोड़ा और निफ्टी ने 538 का अहम 23.6% का रिट्रेसमेंट लेवल को यहाँ देखिए तोड़ा। और तोड़ने के बाद बिल्कुल नया लो जो बनता है, आज नया लो बनाया है। अब इस लो को बाजार नहीं सस्टेन कर पाया, यहाँ से रिकवरी आती है तो पहला जो लेवल है, देखिए दोस्तों मेरा काम बिल्कुल भी ये नहीं कि जो मुझे आता है मैं आपको ना बताऊं, देखिए पहला लेवल 538 के आसपास की रिट्रेसमेंट है जो बाजार ने आज 537 तक लगा दिया है दोस्तों। और क्या चाहिए आपको, देखिए 537 का 535 के आसपास निफ्टी ने लगा दिया है, अगर ये इस लेवल को पार कर जाती है तो अगला लेवल 612 का, बीच में लेवल ही नहीं है, तो 23% रिट्रेसमेंट हो गई है ऑलमोस्ट लो से। अब लो से अगला पड़ाव 38.2% रिट्रेसमेंट का है जिसके होने की संभावना है पूरी पूरी है दोस्तों। देखिए बाजार में क्योंकि बाजार वैसे भी ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है, बाजार यहां से चलने लगेगा तो 538 के स्टॉप, अगर 538 से निफ्टी कामयाब हो जाती है लेने चलने के लिए तो 538 का स्टॉप लॉस लगाइए और ले लीजिए बाजार को, मार्केट आप प्लस कर सकते हैं, आप यहां से बाजार 600 तक के लेवल रिट्रेस कर सकता है। मेरे मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ऐसा ही करना है, आपका अपने ब्रोकर से सलाह करना बहुत जरूरी है, आपका अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह कीजिए, मेरे कहे से बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए, ये मेरी निजी राय है, ये मुझे लगता है ऐसा होगा, हो सकता ना भी हो, ठीक है दोस्तों। तो आज का चार्ट क्लोजिंग होते होते आज बाजार में बिल्कुल 15 मिनट कैंडल भी बाइंग करी है और 5 मिनट में भी बाइंग रही है, आखिरी के देखेंगे 1 घंटे में भी बाइंग रही है। और डेली चार्ट पर देख लेते हैं, डेली चार्ट हालांकि सेलिंग में है बट थोड़ा सा रिकवरी मोड में दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बाजार आपके सामने है दोस्तों और देख लेते हैं हमारी एफआईएस और डीआईएस की एक्टिविटी, जैसे मैंने आपको कहा था आपको पेश किया जाएगा इसके सामने। कल का जो डेटा था दोस्तों, कल भी एफआईएस ने सेलिंग की थी, एफआईएस की सेलिंग जारी है और वहीं पे हमारे डीआईएस की बाइंग जारी है। तो बाजार को नीचे से उठा के वापस देखो, 300 करोड़ की सेलिंग के बदले में 800 करोड़ के आसपास की बाइंग है, तो बाजार क्यों नहीं चलेगा निचले लेवल से, बाजार यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में था कल बाजार, आज बाजार ने नया लो लगाया और वहां से सीधा 38% की रिट्रेसमेंट दिखाई है बाजार ने, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार रिकवरी है, तो अगर ये रिकवरी सस्टेन रहती है तो 600 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो इसलिए आप अपने स्टॉप लॉस के बिना इसमें ट्रेड बिल्कुल ना करें क्योंकि बाजार बहुत वोलेटाइल है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। तो जैसा कि हमने कहा कि आप रिट्रेसमेंट लेवल्स के हिसाब से
अपने स्टॉप लॉसेस को 538 के नीचे लगाएं और 538 से ऊपर ही बाइंग करें, उससे पहले बिल्कुल बाइंग करें। देखिए ये आज की कैंडल, इसमें आखिरी घंटे में सेलिंग होने के बाद पूरी हाफ कैंडल रिकवर करके रिट्रेस कर गई है, तो इसका मतलब ये है कि बाजार में कहीं ना कहीं निचले स्तरों से बाइंग आई है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये डेटा अच्छा लगा होगा और कल से हम फिर से रेगुलर हो जाएंगे। कल जो वीडियो नहीं डाल पाए उसके लिए फिर से मैं माफी चाहता हूँ, और हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए, पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।